नमस्कार, आप देख रहे हैं NH। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर पूरे देश भर में रक्तदान अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव पूरे 15 दिन तक चलेगा। इस उत्सव को दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के हाफलोंग में भी बढ़ चढ़कर बनाया गया। आइए देखते हैं इस रक्तदान की कुछ झलकियां सीधे हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल से। रामकृष्ण सेवा समिति आज प्रथम रेजिस्ट्रेशन नेशनल पोर्टल এবার প্রথমবার আমাৰ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই লঞ্চ কৰিছে। পোর্টেলটো হল আজি ইয়াতে হাফলং গভর্নমেন্ট হসপিটালত আহি ভাল লাগিছে। অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া ৰক্তদান অমৃত মহোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে। আজি 15 দিনৰ কাৰণে এইটো কেম্প আৰম্ভ হৈছে, 1 অক্টোবৰত শেষ হ'ব। আজিৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম ডোনৰ লেডিজৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। আৰু এই কেম্পৰ কাৰণে আমি এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাইছোঁ এটা NGOৰ পৰা, আৰু বহুতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে এতিয়া পৰ্টেলত। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ বহুত লাইভছ, যিখিনি আমাৰ মানুহ দৰকাৰ হয়, মানুহৰ ব্লাড আজিকালি এক্সিডেণ্ট হ'লে দৰকাৰ হয়, বহুত বেমাৰৰ কাৰণে দৰকাৰ হয়, এই বেংকটো যাতে আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যাতে মানুহ আগবাঢ়ি আহে। আমি সজাগতা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা, আমি মানুহ আৰু আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমি ভাবোঁ উই উইল বি ইকুইপড উইথ এই ব্লাড বেংকটো আমি ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ যাতে, সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ। আজ জেচে কি 17 সেপ্টেম্বৰ 2022 ইয়ে ৰক্তদান কা শিবিৰ হে তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সে ইস বার পহলি বার লঞ্চ কিয়া হ্যা। ওয়েসে তো ব্লাড ডোনেশন তো হামারা অনগোয়িং প্রসেস হ্যা, হমেশা হোতা হি হ্যা, জরুরত হোতা হ্যা, পেশেন্ট কো জরুরত হোতা, খুন কা তো জরুরত রহতা হি হ্যা হমেশা। লেকিন ইস বার আজ 17 তারিখ জিসে হামারে প্রধানমন্ত্রী জি কা জন্মদিন হ্যা, উসি অবসর কো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নে আজ শুরুয়াত কিয়া হ্যা লঞ্চিং এক নয়া বহুত আচ্ছা পোর্টাল। ইয়ে হোগা আপকা অল ওভার ইন্ডিয়া পোর্টাল হোগা আপকা www.erakhtakosh.in और उसके अंडर में और एक पोर्टल होगा www.erakhtakosh.in login। ये दो बहुत ही सुविधा सब लोगों के लिए, हमारे लिए तो सुविधा ही है साथ में पब्लिक के लिए सुविधा। इसमें क्या हुआ कि ये अभी है कि पहले जिससे कि हम लोग रक्तदान करते हैं, ब्लड डोनेशन होता है, NGOs आता है, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, ग्रुप में होता है, तो रजिस्ट्रेशन हमारा लोकली हमारा सिर्फ रजिस्टर किताब में रहता था, लेकिन अभी ये होगा, ये पोर्टल में रजिस्टर होगा और ये नेशनल रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन होगा आपका, बिल्कुल भी ये आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें NGOs का आपका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, साथ में आपका मेल एड्रेस होगा, तो आपका जब उसमें रजिस्ट्रेशन होगा आप एडवांस में रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप आज 17 तारीख है, आप बोलेंगे हम लोग कल डोनेट करेंगे, तो आज हम लोग रजिस्टर कर देंगे, वो नेशनली आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपके पास मेल आएगा और जो सर्टिफिकेट पहले हम लोग अपना खुद यहाँ बना के लिख के देते थे, वो आपका नेशनल लेवल से आपका ऑटोमेटिक आपका वेबसाइट में, हमारा वेबसाइट में वो वहाँ से जनरेट होगा। आइए आगे बात करते हैं पूरे देश भर में चलाए जाने वाले पोलियो अभियान की। जी हाँ, कल यानी 18 सितंबर को 5 साल से छोटे बच्चे को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। गुड आफ्टरनून डियर पेरेंट्स एंड सिटीजन्स ऑफ दीमा हसाओ, आई एम डॉक्टर मेरिना एल जॉनसन, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर दीमा हसाओ। आज में हम सब नेशनल इम्यूनाइजेशन नहीं तो पोलियो संडे जो काल में होगा उसका बारे में थोड़ा सा बात करने मांगता। जैसे हम लोग दीमा हसाओ एंड इंडिया इन जनरल, हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन डे नहीं तो पोलियो डे बोल के एवरी ईयर हम लोग 1995 से कर रहा है, एंड दिस ईयर वो फेब्रवरी 2022 में भी हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बोल के पोलियो का
डे हम लोग कंडक्ट किया था, तो नाउ सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे बोल के सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ डिमा हसाव आई मीन असम डिमा हसाव इज चुना है बिकॉज वी आर गेटिंग हाई अलर्ट दैट इट्स अ डिफ़िकल्ट एरिया है, बहुत बस्ती है, हम लोग इतना दूर दूर जगह है जाने के लिए मुश्किल है, तो कहीं जगह में कोई बच्चा को हम लोग ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दिया होगा बोल के, एंड नाउ इंडिया में भी कलकत्ता में सीवेज में पोलियो वायरस मिला है, न्यूयॉर्क में भी मिला है, तो देर इज चांसेस दैट ये सम स्टेट्स एंड 19 डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिमा असम वी मे गेट पोलियो माइलाइटिस केस। तो हम लोग सब मालूम है पोलियो माइलाइटिस क्या है, दिस इज वायरल इन्फेक्शियस, वो बच्चा को पैरालाइज होता है लाइफ लॉन्ग, और वो ट्रीटेबल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये फिजियोथेरेपी नहीं तो सम थेरेपीज में अगर ट्रीटमेंट किया है वो भी फिर एट द एंड आफ्टर 10 इयर्स 20 इयर्स 40 इयर्स में उसका जो पैरालाइसिस तो फिर आ सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस पोलियो माइलाइटिस नहीं तो पोलियो हम लोग जो जनरल में हम लोग जो मालूम है इट कैन बी ओनली प्रिवेंटेड, उनके लिए वो इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बट इट कैन बी प्रिवेंटेड। तो ये प्रिवेंट करने के लिए द ओनली मेडिसिन अवेलेबल इज ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स, एंड अभी तो हम लोग ओनली ड्रॉप्स नहीं पिलाता है, वी आर गिविंग इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन भी वी आर गिविंग। इसी के साथ देखते रहिए NAH, लाइक और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।